भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर। ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि भारत और यूएई के बीच एक इतना बड़ा डील हुआ है जिससे पूरी दुनिया डर चुकी है। तो क्या है डील, ये हम जानेंगे इस वीडियो में जो कि हमारा होने वाला है। पहला अपडेट तो दूसरे अपडेट की बात करते हैं, वह है अमेरिका और भारत के इंजन की बड़ी डील का पूरा अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े डील को स्थापित किया गया है, तो दोस्तों जानेंगे पूरी अपडेट। अमेरिका से इंजन डील के ऊपर करार हुआ है, यह काफी रोचक तथ्य है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं अपने पहले अपडेट की। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे करीबी देश कौन सा है, यानी कि कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जिसके साथ हमारे सबसे ज्यादा अच्छे संबंध हैं, तो कई लोगों का जवाब होगा इजराइल, कई लोग कहेंगे रूस, कुछ लोग अमेरिका भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। आज की तारीख में भारत सरकार और भारत का सबसे करीबी देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम यूएई के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते, अभी तो दुबई का नाम आपने सुना ही होगा। दुबई इसी यूएई की एक अमीरात है, एक शहर है। यूएई के साथ भारत के इस समय संबंध लिटरली पीक पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, जो कि व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है। बात व्यापार की हो रही है तो चीन अमेरिका के बाद यूएई के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है। यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यूएई भारत में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। इसके अलावा यूएई भारतीय हथियार खरीदने में भी अव्वल है, ये भारत के एम्यूनिशन सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल रही हैं और भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट यूएई जाते हैं, यानी कि देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध सबसे ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन इस पर मोहर आज लग चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हाँ हाल ही में यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वह भारत आए थे और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए, यह परमाणु समझौता दिखाता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में यूएई के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया और यह पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले आज तक किसी भी अरब देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया गया था, लेकिन यूएई के अंदर यह पावर प्लांट पहला बना है। और यह इतना विशालकाय है कि इससे यूएई की 25 पर तक बिजली आपूर्ति हो सकेगी। और आपको बता दूं, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई भले ही आपको एक छोटा सा देश लग रहा हो, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े सात अमीरात हैं, जैसे कि दुबई, रजा वगैरह। तो इन सभी की जरूरतों को पूरा करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग मॉल और अन्य प्रकार की वहां चीजें हैं, तो बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए 25 पर एक प्लांट से बिजली की आपूर्ति करना, यह अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा यह पावर प्लांट है। तो खैर, यूएई ने पावर प्लांट तो बना लिया, लेकिन इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है एक पावर प्लांट को मैनेज करने का। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए लगातार एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं यूरेनियम, वो भी इनके पास सप्लायर प्रॉपरली उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अब इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट कर ली। याया है कि आपको अच्छा अनुभव है एक पावर प्लांट को चलाने का और उसमें एनर्जी सप्लाई करने का, इसीलिए आप आइए अपने एक्सपर्ट्स भेजिए और हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज कीजिए, इसे चलाइए और हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद कीजिए। और भारत इसके लिए तैयार हो गया है। अब आगे से भारत यूएई के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करेगा। हमारी जो कंपनियां हैं वह वहां पर लगातार यूरेनियम की सप्लाई भी करेंगी सुरक्षित रूप से, और इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से सस्ती बिजली आपको जरूर मिलती है, लेकिन खतरा भी होता है कि कहीं जरा सा एक्सीडेंट हो गया तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा और वो इलाका हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद। इसीलिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक तरीके से भारत के कंधों पर होगी और भारत अब पूरी तरीके से इसे मैनेज करेगा। बात करें भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो बहुत, इसके बदले में हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी, हमारी जो कंपनियां हैं उनकी कमाई होगी, अति महत्वपूर्ण है, और भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात,
अरब वर्ल्ड का जो इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह भारत के हाथों में आ जाएगा, भारत के क्षेत्राधिकार में होगा, और इस वजह से जो पाकिस्तानी लाखों की संख्या में यूएई में रहते हैं उनसे भी भारत इसे बचा कर रखेगा। उनके हाथ में यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं पड़ने देगा, यानी कि इस समझौते से भारत को फायदे ही फायदे हैं। हमारी कमाई होगी, अरब देशों में हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा और ये देश और ज्यादा भारत पर निर्भर भी होंगे। इसीलिए यह समझौता भारत और यूएई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे न केवल दोनों देशों का इकोनॉमी गो करेगा बल्कि यह देश में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरा अपडेट, जो कि भारत और अमेरिका के बीच सुपरसोनिक इंजन के डील को करार किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका में उपस्थित रक्षा मंत्री ने यह कार पेश किया है, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि अमेरिका का जल्द ही जल्द दौरा किए हैं, उन्होंने यह टॉप सुपरसोनिक 10 इंजनों का करार किया है, जिसके कारण अमेरिका भारत के लिए 10 सुपर पावर जेट इंजन का निर्माण करने वाला है। ये सुपरसोनिक इंजन इतना ताकतवर होगा कि अच्छे अच्छे फाइटर जेट को पछाड़ने को चंद सेकंड का वक्त लगेगा। इस इंजन की खास बात यह है कि ऑन होते ही यह चंद सेकंड के अंदर ही अपनी भरपूर स्पीड को गेट कर लेती है, जो कि इसे और पावरफुल बनती है। और तो और, इस सुपरसोनिक इंजन का प्रयोग उन फाइटर जेट में किया जाएगा जिनमें भारी मात्रा में मिसाइल्स और पावरफुल हथियार लगे होंगे। तो दोस्तों, इसे आप कल्पना कर सकते हो कि यह जेट कितना खतरनाक बनने वाला है। लेकिन अमेरिका से यह डील इतना आसान नहीं था, इसके चलते भारत को कई बार अमेरिका को लिखित रूप में बताया गया। अंत में जब भारत में देखा कि अमेरिका का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो भारत रूस की ओर रुख करने लगा, जिसे देख अमेरिका घबरा गया और वह जान गया यदि भारत रसिया से अपने फाइटर जेट के लिए इंजन ले लेना तो उनके संबंध और गहरी हो जाएंगे। इसी कारण अमेरिका ने भारत को यह सुपरसोनिक इंजन का डील स्वीकार करना ही पड़ा। और इसका दूसरा कारण यह भी है, क्योंकि ट्रंप का वर्चस्व ऐसा देखा जा रहा है कि अमेरिका के आने वाले चुनाव में ज्यादा दिख रहा है। और तो और, ट्रंप अमेरिका के, जो कि शायद आने वाले टाइम में राष्ट्रपति होंगे, वह भारत के फेवर में देखे गए हैं। 10 सुपरसोनिक इंजन का डील संभव हो पाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चाहे वह भारत और यूएई के बीच परमाणु बम का डील हो या फिर भारत और अमेरिका के बीच फाइटर जेट सुपरसोनिक इंजन का डील हो, अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक से करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।